स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की पांच बड़ी खबरों पर। आपातकाल की बरसी पर बीजेपी आज मनाएगी काला दिवस। प्रधानमंत्री मोदी ने विरोध करने वालों को किया सैल्यूट। देश के 11 सार्वजनिक बैंकों के प्रमुख धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों और बैड लोन्स की बढ़ती समस्या को बताने के लिए आज संसदीय समिति के सामने पेश होंगे। तमिलनाडु के रामनाथपुरम समुद्र के किनारे भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, पुलिस जांच में जुटी। बुलंदशहर में एक बड़े फ्रॉड गैंग का हुआ पर्दाफाश, एक महिला समेत दो लोग गिरफ्तार, 17 मोबाइल, 6 लाख के गहने और नकदी बरामद। मुंबई में भारी बारिश ने ली 7 लोगों की जान, सड़कों पर जल भराव, रेलवे ट्रैक तक डूबे। ये थी अब तक की पांच बड़ी खबरें। नवोदय टाइम्स की बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार। Thank you.